नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट को या फिर स्टॉक को या फिर इंडेक्स के किसी भी लेवल पे आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, और आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है वो जरूर लीजिए। तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एजुकेशनल वीडियो। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे हमारी आज के दिन की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसके परफॉर्मेंस के साथ में। शुरुआत करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों बैंक निफ्टी में हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था एक शार्प फॉल के बाद में रिट्रेसमेंट मार्केट में आने वाला है, और मॉर्निंग के आज के सेशन में हम लोगों को एक बुलिश ट्रेंड जो है वो देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग जो है इस प्राइस से हम लोगों को आज मार्केट में देखने को मिला था, लेकिन 50,047 के हमारे मैजिकल लेवल पे इसने सपोर्ट क्रिएट किया। बहुत ही शानदार यहाँ से मॉर्निंग में हम लोगों को एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था। जब बैंक निफ्टी इस लेवल पे ट्रेड कर रही थी तभी मैंने आप लोग के साथ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है हमारी फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया हुआ था, जहाँ से हम लोगों को पिन पॉइंट एक रिजेक्शन देखने को मिला और काफ़ी शार्प फॉल देखने को मिला था, और पी साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। देन ये एंटर करके हमारे नो ट्रेड जोन पे, नो ट्रेड जोन पे जाने के बाद में इसने सपोर्ट क्रिएट किया 50,047 के हमारे लेवल पे, और उसके बाद में एक हम लोगों को बाउंस बैक बैंक निफ्टी में देखने को मिला, और उसके बाद में कंप्लीट साइडवेज आज का दिन देखने को मिला था। निफ्टी की अगर बात बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो निफ्टी ने भी मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग दिया था और उसके बाद में एक रिकवरी शो किया था। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए निफ्टी जो है वो नीचे के साइड में आई थी, 23,511 का लेवल था वो, और यहाँ से एक शानदार बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिला। और हम लोगों का लेवल था 23,680 का, जिसके नीचे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है वो वीक रहेगी, और यहाँ से काफ़ी अच्छा रिवर्सल जो है वो हम लोगों को निफ्टी में भी आज के दिन देखने को मिला था। ओवरऑल दोस्तों इन लेवल्स के साथ में हमारी जो एक्यूरेसी है वो बरकरार है, मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन रखने की। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पर आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है। लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरे प्लैटिनम ग्रुप को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने लाइव मार्केट के जो सेटअप्स है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहता हूं। तो उसका लाभ आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ। वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी, लेकिन दोस्तों वो सीधा टिप्स में आ रहा था इसलिए हम लोगों ने अपनी सीरीज को कुछ दिनों के लिए पॉज करके रखा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शन पे भी ट्रेड करते तो मैंने अपनी स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बहुत डिटेल में यूट्यूब पर डिस्कस की है, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर के रखा हुआ है। अगर आप लोग भी स्टॉक ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं तो उस वीडियो को जाकर के चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो साबित हो सकता है। आगे जाकर के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के यानी कि सोमवार के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में, एक बार इसका प्रेडिक्शन चेक कर लेते हैं। दोस्तों जो भी प्रेडिक्शन हम लोग यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे ये बेस्ड होगा आज के टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे और आज की निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे। आज गुरुवार है और 3 डेज हॉलीडेज है हम लोगों को लगातार, ओवरनाइट अगर कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो इसे पे हमारे इस व्यू पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो थंबनेल देख करके किसी को भी ट्रेड जो है नहीं करना है, लेवल्स आपके चार्ट पे होने चाहिए, क्योंकि चाहे गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो, अगर मार्केट इन लेवल्स के बीच में खुलता है तो सेम लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। निफ्टी के बारे में अगर पर्टिकुलरली बात करेंगे दोस्तों, तो निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मंडे के लिए। एक शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा है और एक हेल्दी रिट्रेसमेंट इसमें आना अभी भी बाकी है, तो मंडे के मॉर्निंग सेशन में एक बुलिश ट्रेंड हम लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और ये इसके एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, सो यहाँ से एक ब्रेकआउट जो है वो मंडे के दिन हम लोगों को पॉसिबल है।
23,570 के ऊपर निफ्टी यहाँ पे बुलिश हो सकती है, 23,622, 23,700, 23,780 और 23,873 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 23,530 के नीचे निफ्टी वीक हो सकती है, 23,484, 23,428, 23,352 और 23,286 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन किए हुए हैं, इसको अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए टेस्ट करना है तो सबसे बेहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है, अब ऑब्वियसली चीज है ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पे ट्रेड करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो हम लोगों की यहाँ पे कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग उसे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम करता है, वहां पर भी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक जो है इसके प्रेफरेंस देता हूं 5 मिनट की कैंडल कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब दोस्तों यहां पे कैंडल क्लोजिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है जो कि आप लोग वॉल्यूम देख करके जो है यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपसाइड के लेवल्स या फिर डाउनसाइड के लेवल्स, ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम जो है वो लाइव मार्केट में करते हैं। साथ में दोस्तों मेरी मैजिकल लेवल्स की जो थियरी है इसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए हैं इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इन लेवल्स के साथ में लेवल 4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है, जिसके ऊपर भी आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना जो है वो होता है। बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकडाउन भी अगर मंडे के दिन हम लोगों को मिल जाता है तो यहाँ बैंक निफ्टी में भी मंडे के दिन मॉर्निंग सेशन में अप ट्रेंड हम लोगों को दिखाई दे सकता है। 50,370 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है, 50,505, 50,637, 50,783 और 50,917 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 50,230 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो सकती है, 50,134, 50,018, 49,910 और 49,805 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मंडे के मेरे मैजिकल लेवल्स मेरे मंडे के प्रेडिक्शन के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।